अभी हम आगे बढ़ेंगे और आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच कल जुमे को होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी भी तफसील से हमने बात करनी है, क्या तैयारी है लड़कों की, क्या चेंज आ सकता है, नहीं आ सकता है। बिकॉज़ ऑब्वियसली मैचेस तो वहाँ हो रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन जो फलस्तीन में हो रहा है वो भी सारों को नजर तो आ ही रहा है। और भारत में नेशनल आपको बता दें कि ड्यूटी पर मौजूद है हमारे खिलाड़ी, जो हमारा पूरा स्क्वाड है बेसिकली वो अराकीन फलस्तीन की हिमायत पे सामने आ गए हैं। और कौमी टीम के नायब कप्तान शादाब खान, स्मिना मोहम्मद नवाज और उसामा मीर के साथ बैटर इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक और फास्ट बोलर हारिस रऊफ ने फलस्तीन की हिमायत में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फलस्तीन का परचम जो है, झंडा जो है, फ्लैग वो पोस्ट किया है, विच इज़ अ वेरी बिग डील बाय द वे, क्योंकि आजकल इस चीज पे भी बड़ा जज किया जा रहा है कि कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये भी बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है भारत में ज्यादातर लोगों की सपोर्ट तो है ही इजराइल के साथ, और पाक इंडिया मैच के दौरान भी, हालांकि उस वक्त तक तो कोई लेना देना थे उसमें प्लैकार्ड इजराइल की सपोर्ट पे लेकर आए हुए थे। पाकिस्तान में जारी डोमेस्टिक मैचेस में हिस्सा लेने वाले क्रिकेटर्स ने भी फलस्तीन से यकजहती का मुजाहरा किया। अजहर अली और आबिद अली समेत कई क्रिकेटर्स ने फलस्तीन का परचम पोस्ट किया। मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका से मैच जीतने के बाद परफॉर्मेंस को गजा के नाम किया था, सबको याद होगा।